कोई रीजन होगा। नहीं मगर उसने फिर क्लेम ना ना करे, क्लेम करके फंस गया, उसको पता नहीं पड़ सकता वो। ओ चल कोई ना, मेरी बात सुन लो यार, एक मिनट इतनी देर में सुन लूंगा, मगर मेरे, मगर बोल बोल मेरा राइट है कि नहीं। मान के चल मैं पढ़ लिया ये बोला तो मान के चल जा। करुणा करुणा देख मेरी बात सुन, करुणा देखो यार मैं तुम्हारे सामने अपना, करुणा मेरा भाई, मैं तुम्हारे सामने केस रख रहा हूँ। मैंने बोला ये पढ़ ले मैं इसको मानूंगा, वो पढ़ ही नहीं रहा, ऊपर से कह रहा मान के चल मान के चल। यार ये किस तरह का न्याय करते हो आप, मुझे बताओ ना यार, ये धर्म का लक्षण है न्यायकारी? आमिर टॉपिक डाइवर्ट ना करो, टॉपिक पे आते हैं। वेरी गुड, अब रुको जरा, दोनों रुको रुको, टॉपिक से डाइवर्ट किसने शुरू किया फेक बोलकर? इन्होंने। जब इन दोनों की गिच्ची मैंने इस चीज पर भी पकड़ी तो अब दोनों की फटकर गुलाब हो गई और निकलकर थोड़ी सी लेंडी जुलाब हो गई और बोलने लगे कि टॉपिक से मत हट। कौन हट रहा था टॉपिक से? कौन हटा? तुम दोनों। अब बोल रहे हैं टॉपिक से मत हटा आमिर, क्यों? मैंने तुम दोनों को बोला था, तुझे तो मैंने प्यार से बोला था करुणा जानू मानू, तू गुस्सा कर गया था। तू भाई है मेरा यार, क्यों गुस्सा करता है? मैंने कहा है बड़ा आनंद आएगा जहां से अभी आप लोगों के छिलके भी नहीं उतरे, आप जैसे 500 और हों मैं उनका रेट लगाकर बेच दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा उनका सौदा हो गया हुआ है। आपको पता ही नहीं मेरा किस बंदे से बात पड़ गया। तेरे पाकिस्तान को अकेला राम मंदिर खोल लेगा तो तू रेट की बात मत कर। चलो ठीक हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। चल यार आते हैं अपनी डिबेट पे, आते हैं तरीके से बात करते हैं जो चल रही थी अभी की वो फेक हिंदू। चलो ठीक है डिबेट पे, चलो डिबेट पे आते हैं। वेरी गुड, ठीक है करुणा, ठीक है टॉपिक, एक मिनट सुनो सुनो ना, रुक रुक रुक, टॉपिक पे रहेंगे करुणा, ठीक है? पहले उसका फेक का बात क्लियर कर लें। अच्छा जाओ, बहुत अच्छे, अभी उस पे बात मैंने पकड़ी तो कहता टॉपिक, फेक को छोड़ दो ना, हम टॉपिक पे आने लगे ना यार। फेक टॉपिक नहीं था ना, टॉपिक तो राम मंदिर था, राम राज्य था, सॉरी राम मंदिर कह रहा हूँ, राम राज्य था। टॉपिक पे बात करते हैं, पहले तुम गारंटी दे दो टॉपिक पर रहोगे, फिर इस तरह ही आर्या समाज जी से गारंटी लेता हूँ हम दोनों मिलके, आप दो मैं एक, टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? कोशिश कर सकते हैं, चलो वेरी गुड, कोशिश करते हैं, थैंक यू, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। आर्या समाज जी भाई ठीक है, टॉपिक पे रहेंगे? आर्या समाजी भाई ने माइक म्यूट कर लिया हुआ, मैं क्या करूं इधर जी भाई, रखिए अपना क्लेम रखिए फटाक से। ठीक है ठीक है, टॉपिक पे रहेंगे ना आर्या भाई? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आर्या भाई आप जब पहले आए थे आपने बोला था राम मंदिर वेद विरुद्ध है क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा हुई है, आपने बोला थोड़ी देर पहले, बोला था कि नहीं? नहीं मैंने कब बोला? नहीं बोला, वेरी गुड, रुके जरा, लेन जी ये बोल रहे हैं मैंने नहीं बोला, मैं सुनाने लगा हूं, ठीक है? आपने बोला था राम मंदिर जो है वेद से विरुद्ध है, तो मैंने बस हाँ हाँ मतलब मेरे को पता नहीं होता, मैंने हाँ 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 बस बोल दिया था मैंने शायद से, मेरे को उतना पता नहीं। अब यारी देखो बोल रहा है कि हाँ हाँ बोल दिया था, मैंने बोला था मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध है, आपने कहा हाँ, मैंने कहा मूर्ति पूजा करना अधर्म है, आपने कहा हाँ, मैंने कहा राम मंदिर में मूर्ति पूजा हुई है, मैंने बोला ही नहीं, आपने बोला राम मंदिर में बिल्कुल वेद विरुद्ध हुआ है। अब आपको पता है कि आपके करुणा बैठा है यार, एक मिनट लाइव चला दे, चला दूं, चलो लाइव चलाने लगा, लो जी लाइव चलाने लगा, उसी के ऊपर तो मैंने कहा था जिंदाबाद, अली भाई आप मौजूद थे, मैंने कहा था क्या बात है, जुर्रत किया भाई ने, फिर मैंने कहा नहीं कैमरा ऑन करके बोलो, मैंने बोला था कैमरा ऑन करके, सबको पता है, मगर इसकी खुशी के लिए फिर चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये भाई हमारा खुश हो जाए यार। अली भाई की एंट्री के बाद आई थी इसकी एंट्री, और हाँ ये एंट्री हुई, ये देखें जी, सॉरी एक मिनट, ये ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और तमाम आए और थैंक यू सो मच। अरे भाई आवाज ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सुना भाई आपने माहौल बनाया यहाँ आए और आपकी बड़ी करके फिर मैं आपकी तरफ प्रॉपरली आ गया जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा क्या कोई आर्या समाजी किसी गुरुकुल वगैरह में या किसी जगह पर किसी पंडित वगैरह ने किसी गुरु शुरू ने ये कहा है कि स्वामी दयानंद ने
जो मूर्ति पूजा का खंडन किया है ये ठीक नहीं था, उनको गलती हुई। नहीं कहीं फिर जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अरे भाई आप मेरे साथ हैं, मुझे आप ये बताएं, ये अभी एक बंदा आया वो आकर बोल गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुतर्क किया था। नहीं भाई, वो तर्क नहीं गए थे, वो भाष्यकार है वेद के। हाँ बिल्कुल, यानी कि महर्षि थे यार। वेद निंदक उनको कहते हैं जो वेद के विरुद्ध जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये मूर्ति पूजा जो है ये वेद निंदक ही है ना? वेद में फॉर्मलेस गॉड को बताएगा, मतलब विथाउट फॉर्म। ठीक है ठीक है, यानी जो मूर्ति पूजा करता है वो वेद निंदक है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये राम मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ ये वेद की निंदा हुई ना फिर? जी ओ हो, वाह वाह वाह, अली भाई जुरत को सलाम है, आर्या समाजी वाकई यार। वाह, क्या बात है क्या बात है। अब ऐसा करें जल्दी से कैमरा ओपन कर दें जी, ताकि आपकी जरूरत और जरा पता चले जी। किसका? अरे आपका कैमरा और किसका? नहीं कर सकता भाई। चले कोई बात नहीं, वैसे मजाक कर रहा था, नहीं करना, तंग कर रहा था आपको। नहीं, ऐसा नहीं करना, हम आपकी जान को खतरा नहीं दे सकते। स्वामी साहब का टाइम तो और करवा दोगे? मैं म्यूट रखें, वो सुने जरा जुमला। नहीं, ऐसा नहीं करना, हम आपकी जान को खतरा नहीं दे सकते। स्वामी साहब का टाइम तो और करता हूँ, कुछ जुदा करवा दोगे? क्या करवा दोगे? आर्या समाजी भाई कहते हैं सर तन से जुदा करवा दोगे। हाय हाय हाय, ये होगी ना बात। ठीक है जी, प्रूफ मिल गया। इन्होंने बोला राम मंदिर के अंदर वेद निंदा हुई, वेद के विरुद्ध। मैंने पूछा कहाँ बोला मूर्ति भाई, पूछ मात्र। हाँ हाँ मैं लो, बुला रहा था, सबने सुना भी है। देखो जरा यार, देखो आर्या समाज का चौथा नियम है। ओए शर्म करो यार आर्या समाजी मेरे भाई, थोड़ा सा सम्मान तो रखो। नए नए आर्या समाजी हो, नया नया तो वैसे ही मुर्गा बहुत ज्यादा शोर डालता है। चौथा नियम है, सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी ना करो, लज्जा ना रखो, और असत्य को त्यागने में कदापि देरी ना करो, सत्य को स्वीकार करने में कभी देरी ना करो। चौथा नियम है, अपने चौथे नियम का तो पालन करो आर्या समाजी भाई। आमिर तुमने अभी बोला ना कि कोई भाई महर्षि तुम गुरु प्लेन वगैरह रखो किसी ने साथ जो है में। खंडन किया है क्या, तो दो लोग मैं बता रहा हूँ, पुरी के जो शंकराचार्य हैं किस चीज पे? नित्यानंद किस शुक्ल मैंने उन मैंने क्या खंडन बोला, मैंने क्या बोला था? हाँ ना 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 ना, ऐसे नहीं, ये कुतर्क है। क्या क्या पीछे क्लेम पीछे। था ना, क्या क्लेम था वो भी सुना दूं क्या दोबारा? अरे मैंने सुन लिया, तुमने आप तो पूछा ना कि पुरी दोनों ही में मुकरना नित्यानंद शुरू हो शुक्ल, गए हैं, टाइम ये तो वेस्ट दोनों ही मत मुकर गए हैं। करो। अरे भाई देख सीधी सी एक लाइन में तेरी बात खत्म करता हूँ। हाँ आर्य समाज के और बाकी जो हिंदू के वो हैं उनके बीच में डिफरेंस है, मतभेद है, क्योंकि आर्य समाज जो है वो एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है, उसमें कुछ ओ गलतियां भाई, हैं। एक जुमले के अंदर जवाब खत्म करते हो। मेरा जो मैंने क्लेम किया था वो तो किया नहीं है प्रूफ। मैंने कहा था कोई आर्या समाजी, आपने कहा आर्या समाजी खुद मानते हैं, ये था आपकी बात। दोनों ही फटाफट मुकर जाते हैं, ये तो पैरों के कच्चे हैं, पेट के भी कच्चे हैं, कान के भी कच्चे हैं। आपने पता है क्या क्लेम किया था? आपने कहा था आर्या समाजी खुद स्वामी दयानंद सरस्वती का खंडन, या कहते हैं कई जगह पर गलती की। मैंने कहा था विषय है मूर्ति पूजा, इस पर कोई आर्या समाजी दिखाओ कहता हो स्वामी दयानंद सरस्वती ने गलत किया है, ओ भाई मैं दिखाएं। 1 घंटा ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वीडियो नहीं मिला, लेकिन उनका हाँ मुझे नहीं मिल गया, मिलेगा, नहीं वो बोल रहे मिलेगा कि नहीं मेरे प्यारे है। भाई, नहीं मिलेगा आपको वीडियो। मूर्ति है पूजा फिर पे, मूर्ति पूजा पे किसी आर्य समाजी ने खंडन नहीं किया, ये आपके सामने बैठा हुआ है, इसने बोला है। दोबारा पूछता हूँ इससे, देखता हूँ मुकरता कि नहीं मुकरता। आर्य ये समाजी भाई, गौरव है, क्या खुद कोई आर्य बोल समाजी, तो क्या कोई नहीं आर्य गौरव है, समाजी स्वामी दयानंद गौरव आ रहे। सरस्वती का खंडन करता है मूर्ति पूजा के विषय में? आर्य समाजी भाई बताएं जरा, दोबारा कहेंगे तो दोबारा दयानंद सुना का, दूंगा। दयानंद का नहीं, लेकिन वो कहते कि आप जरा आर्य रुकें, समाज। आप जरा रुकें, उनसे पूछने दें। ठीक है आप उनकी तरफ से बात ना करें, उनको भी बोलने देना। आर्य समाजी भाई जी बताएं, क्लेम भाई, उनको पूरा क्लेम रखने देना अपना पूरा पहले, फिर बात आप करेंगे। आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे उनको बात करने दो पहले, बताओ ओ भाई भाई, अपना। आप सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उनसे तो बात बाद में होगी ना। आपसे पूछने लगा हूं, क्या आर्य समाज में से किसी ऋषि ने, किसी गुरु ने, किसी पंडित ने, किसी भाष्यकार ने मूर्ति पूजा पर स्वामी दयानंद को गलत कहा है?
बोले ना भाई, हिम्मत करे ना यार। क्वेश्चन बोलो फिर से। देखा अभी मजे की बात बताऊं, अगर मैंने इन दोनों को साथ में ना लिया होता और आर्य समाजी को निकालकर फिर करुणा को लेता, तो करुणा ने कहना था वो भी तुम्हारा बंदा है, फेक है। अच्छा, अगर करुणा को पहले लेता और करुणा के जाने के बाद आर्य समाजी को लेता ना, तो उसने कहना था वो भी फेक है, वो तुम्हारा बंदा है, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिया है। अब बोल भी नहीं सकते कि ये तेरा बंदा है। सवाल दोबारा रिपीट करने लगूंगा, और से सुन लो। सवाल ये है, क्या किसी आर्य समाजी गुरु पंडित भाष्यकार ने स्वामी दयानंद सरस्वती का मूर्ति पूजा के ऊपर खंडन किया है कि वो मूर्ति पूजा के विषय पर गलती पर थे? नहीं, हमारे में तो नहीं। जी करुणा भाई, सुन लिया आपने, मेरा क्लेम ये है, आपने स्पेसिफिक विषय के ऊपर दिखाना है कि किसी आर्य समाजी ने कहा हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गलत कहा है। एग्जैक्टली स्वामी दयानंद को कि मतलब उन्होंने बिल्कुल गलत किया ऐसा? मूर्ति पूजा के विषय पर यार, विषय मूर्ति पूजा ना करो ना, बाकी तो गलतियां होती हैं। पूजा के विषय पर कोई आर्य समाजी ने बोला हो कि स्वामी दयानंद ने गलत बोला है? हाँ, किसी आर्य समाजी गुरु ने, गौर से सुनो, नॉर्मल बंदे की नहीं, क्योंकि नॉर्मल बंदे की कोई वर्थ वैल्यू नहीं है ना, वो तो किसी क्षण भी चेंज हो सकता है। किसी गुरु ने, किसी भाष्यकार ने ये कहा हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर गलत कहा है, इस तरह नहीं है, मूर्ति पूजा भी हो सकती है, वेद के विरुद्ध नहीं है। भाई तेरी किस्मत अच्छी है, वीडियो मिल नहीं रहा, वरना मैं अभी दिखा दूं, एक घंटे से ढूंढ रहा हूं मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ढूंढते रहो, इसी तरह श्री राम जी का प्रमाण भी ढूंढते रहो। अच्छा सनातनी आर्य भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, आपने डंके की चोट पर बोला कि राम मंदिर के अंदर वेद की निंदा हुई, वेद के विरुद्ध गए, मैंने पूछा, आपने कहा हाँ, फिर मैंने कहा कैमरा ओपन करें ना जरा, ये बात इतनी बड़ी आपने जनाब बलवान और जनाब बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की, आपने कहा सर तन से जुदा करवाना है क्या? हंस रहे हैं बाप। करुणा भाई आपके सामने बैठे हैं, क्या आप इनसे डरते हैं कि आपका सर तन से जुदा कर देंगे इस बात पर? यार वो बड़े दिल के हैं, ऐसा क्यों सोचा आपने? सर तन से जुदा गैंग कौन है पता है यहाँ पे सबको? अच्छा बिल्कुल, जो जब कम होते हैं तो बोलते हैं हम विक्टिम हैं, और ज्यादा होने पर जिनको शरिया चाहिए वही होते हैं। मुंबई में सरिया कानून है पता है तेरे को? एक मिनट, गांव है ये बोलने के बाद। अच्छा आप दोनों ने बोल लिया, मैं चुप था, आप दोनों ने बोला मैं चुप था, मैंने तो नहीं कुछ रिएक्ट किया फौरन, मैं भी टोक सकता था, मैंने बोला। हाँ ये बंदा भाई हमारा सनातनी आर्य समाजी जो है, इसने राम मंदिर के विरुद्ध बात की थी, इस्लाम के खिलाफ, तो अभी तक उस वो सामान्य था, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसको क्यों भय कि मेरा सर तन से जुदा कर देंगे? उसने राम मंदिर के विरुद्ध बात करने के तुरंत बाद ये कहा कि क्यों भाई सर तन से जुदा हो जाएगा, तो साहब को समझ आता है। बोला था फेस रिवील पे भाई, वो तो राम मंदिर के विषय पर बात करने के बाद ही फेस रिवील की मैंने बात की थी ना, मैंने कहा यार ये तो आर्य समाजी बड़ा शानदार किस्म का आ गया है, ये बंदे को तो देखना चाहिए, स्वामी दयानंद के समय पर मैं होता तो मैं स्वामी दयानंद के दर्शन को भी जाता। पीसफुल कम्युनिटी वालों का पता नहीं है ना। पीसफुल बिल्कुल, ये आपको कह रहा है करुणा भाई, देख लें आपके सामने ही बैठ के आपको चिंगे लगा रहा है ये। सबको पता है भाई कौन पीसफुल है यहाँ पे, सबको पता है, किसी को टारगेट हाँ पता है, पता है, पता है, क्या नहीं तो नहीं मानूंगा कम से कम। क्या हुआ? इसका बुरा नहीं मानूंगा, इसको बोलने दे, इसका नहीं मानूंगा। किसका? आर्य समाजी का? हाँ। आप दोनों तो फेक नहीं हो ना, ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि दोनों साथ हो, ठीक है? मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है आप लोग। नहीं अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, मतभेद हो सकते हैं यानी एक दूसरे से विरुद्ध हो सकते हो, ठीक है ना? डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, अगेंस्ट नहीं, डिसएग्रीमेंट, इंग्लिश थोड़ी सुधार लो। गुरु परंपरा अगर मदर डिसएग्रीमेंट कह रहा हूं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे से विरुद्ध जा सकते हैं। गलत, अरे भाई कितनी बार बोलूं कि एक दूसरे के विचार एक दूसरे से असहमत हो, बिल्कुल खंडित करने वाले अलग हो, अलग बात है। एक मिनट
एक मिनट, डेढ़ क्षण है तुझे मैं पटा डालने लगा हूं। विरुद्ध का अर्थ क्या होता है? विरुद्ध का मतलब इंग्लिश में भाई बहुत गरीब लैंग्वेज है, उसमें अगेंस्ट होता है। हाँ, तो आप लोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो ना? अच्छा, विरुद्ध होना, आप दोनों के विषय पर विरुद्ध होना बोलना गलत है ना? हाँ, हम किसी चीज पर असहमत हो सकते हैं एक दूसरे से, हम विरुद्ध नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, आप दो सनातनी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं ना? ठीक है, इसका मतलब है आप दोनों वेद से विरुद्ध भी नहीं हो सकते, ठीक है ना? जी जी, सही है ना? इन्होंने जी बोला है, आप भी कंफर्म कर दें, ठीक है? पॉसिबली इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन हो सकता है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब मैं घूमने नहीं दूंगा। इंग्लिश उंग्लिश नहीं बीच में ठोकनी, इंटरप्रिटेशन विरुद्ध। आप दोनों में से ऑब्वियसली कोई भी वेद से विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा होगा ना, विचारधाराओं में हो सकते हैं। एक मिनट, तो जब आप वेद से विरुद्ध हो सकते हो तो दोनों एक दूसरे से विरुद्ध क्यों नहीं हो सकते? भाई हम लोग को एक दूसरे का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस। अच्छा चलो, एक मिनट, अभी दूसरा ले लेते हैं। अच्छा आपने अभी बोला आप लोग वेद से विरुद्ध हो सकते हो, यही बोला ना? ओ भाई आमिर चाहता क्या है यार, सही टॉपिक पे बात करना। हिंदी सिखा रहा हूँ तुझे, डेढ़ क्षण है तुझे हिंदी सिखा रहा हूँ मेरा भाई, हिंदी सिखा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, वेद से विरुद्ध तुमने अभी बोला है, लाइव बोला है मेरा भाई मेरी बात सुनो, वेद से विरुद्ध जा सकते हो ना आप? वेद से विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। क्या करूं, आप दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध चले, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरे के विरुद्ध हो आप। आप वो भी नहीं मान रहे, जा भी रहे हो मान भी नहीं रहे। अब दोनों चुप कर गए हो। मैं इतना बोल रहा हूँ, परिस्थिति अनुसार ऐसे कार्य हो सकते हैं जो वेद विरुद्ध हो लेकिन परिस्थिति के लिए अनिवार्य हो। मगर उसने बोला है, मगर वो आर्य समाजी भाई बोल रहा है कि कोई भी वेद से विरुद्ध नहीं जा सकता। अब इस पे थोड़ा आ रहे भाई जो नाम, इस पे थोड़ा इनकी बात सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको भी समझ नहीं आई आपकी, ये क्या बात हुई? आपका भाई नहीं समझ पा रहा आपको। अच्छा अमर भाई एक मिनट दीजिएगा, अगर भाई एक तो कल आपने लाजमी तशरीफ लाना है, कल भी राम जी के ऊपर ही प्रोग्राम हो रहा है इस्लामिक अवेकनिंग पे, आपने लाजमी तशरीफ लाना है। मेरी तो ख्वाहिश थी स्पेशल आदेश है कि भाई आमिर भाई से स्पेशल कहना है कि वो जरूर आए कल के प्रोग्राम में। हर सूरत आपने आपको मैंने पर्सनली भी इशारा किया हुआ है कुछ चीजों पे, तो मैं इंशाल्लाह उस पैटर्न के मुताबिक चलूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जरूर। नो प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, इजाजत चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली भाई, आप आए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी भाइयों, जी आर्या भाई अपना दूसरे भाई जो है हमारे करुण, वो आर्या भाई उनको नहीं समझ आई, आपने कहा कि वेद से विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। वेद से विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, हाँ, आगे अपना क्लेम तो रखो भाई तुम, यार आमिर बहुत घुमा लो गोल गोल। लो करुणा भाई वो कह रहे हैं कि नहीं जा सकता, देखो उन्होंने आपके सामने बोल दिया, आप कह रहे हो जा सकता है, आप दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हो। मैं इधर क्या करूं यार, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो यार, ये क्या बात हुई? अब आप माइक म्यूट कर लिया करुणा भाई, अन्याय हो रहा है करुणा भाई, आपने माइक म्यूट कर लिया, अब मैं क्या करूं? जो मैं कही थी वो कही थी कि दिनचर्या में रोजमर्रा के कर्मों में हो सकता है ऐसे कार्य हों जो वेद विरुद्ध हो जाएं, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल साफ। जबरदस्त, और वो भी जेनरिक कह रहे हैं कि कोई भी वेद से विरुद्ध नहीं जा सकता, वो जा सकता है यानी पोटेंशियल को भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से वो धार्मिक कार्यों की बात कर रहे हैं, रोजमर्रा के कार्यों की नहीं। तो धार्मिक चले मैं पूछ लेता हूँ, आर्य समाजी भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों की बात कर रहे हैं? धार्मिक कार्यों के डेली रूटीन्स के बारे में नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? यानी धार्मिक कार्यों के बारे में आप कह रहे हैं कोई भी वेद से विरुद्ध नहीं जा सकता, ठीक है? नहीं जा सकता।
जबरदस्त, वेरी गुड। अगला सवाल ये है, मूर्ति पूजा धार्मिक कार्य है या रोजमर्रा का कार्य है? जल्दी, ऐसा क्वेश्चन है भाई, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आवाजे हक का स्टेज है, यहां कदम रखिएगा जरा, थोड़ा सा दिमाग पर ठंडा पानी डालकर। जल्दी बताइए, मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध है या नहीं, धार्मिक कर्म है या नहीं? वेद विरुद्ध नहीं है, वेद विरुद्ध नहीं है। करुणा भाई बोल रहे हैं, ठीक है, करुणा भाई का पॉइंट आ गया, वो बोल रहे हैं वेद से विरुद्ध नहीं है। आर्य समाजी भाई आपका इसलिए मैंने आप दोनों को लिया है। अब रुक जाए, टॉपिक ना चेंज करें, टॉपिक ना चेंज करें, उसको ले लो अभी, रुक जाए आप जरा, आपको लिया हुआ है तो आप जरा, आप तेल देखें, तेल की धार देखें, इधर हो क्या रहा है, जनता देख रही है, जनता को देखने दे, इधर बन क्या रही है। अच्छा, आर्य समाजी भाई, आर्य समाजी, हाँ मुझे पता है गुस्सा आएगा, मुझे पता है आप क्रोधित हैं, समझ लग रही है। अच्छा आर्य समाजी भाई, ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध नहीं है, आपका स्टांस क्या है? मूर्ति पूजा में कहीं भी खंडन नहीं किया है भाई, लेकिन वहां पे ऐसा भी नहीं बोला गया कि ईश्वर साकार रूप में नहीं आ सकते, बल्कि वहां यानी ईश्वर वाद हुए हैं कृष्ण राम, यानी वेद में ये लिखा है कि ईश्वर के अवतार हुए हैं। कृष्ण और राम भाई, भाई एक छोटे से वीडियो में करुणा 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 एक मिनट आप दोनों नहीं बोलो, ऐसे ना करो कि करुणा भाई आपने सुना आर्य, एक मिनट जरा सुने, मैं घुमा रहा हूँ। आर्य समाजी हमारे सामने, आर्य समाजी आज प्यारा भाई आप आए हो, आपको पता ही नहीं है मैं जनाब आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो स्वामी जी की राह तक रहा हूँ जी। रुके जरा, पिछले वीक जी जी जी, फिर आईडी बदल के आए होंगे ना, आईडी रख के आर्य समाज की जैसे आज रख के आए हैं वैसे आया करें। हाँ रुके जरा, अब मेरा भाई टॉपिक ना चेंज करें, काम खराब हो गया है। हदीस याद है, पिछवाड़ा आया, पिछवाड़े को मैंने कहा नारी शक्ति पे बात कर, सनातन धर्म पे सवाल है, एक हदीस प्लीज, एक हदीस। आए आए मजे ते माइया हुड़ा उड़ गए, हदीसों का सम्मान कर ले। हाँ, नहीं मुझे पता है, करता हूँ। पहले तो वेद का सम्मान कर लो ना, आप लोगों को तो कंफर्म ही नहीं हो रहा कि वेद के विरुद्ध क्या है और वेद के अविरुद्ध क्या है। अच्छा मुझे ये बताओ करुणा भाई, एक मिनट सुने 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 सुने, सुने आर्य भाई एक मिनट जरा, एक मिनट करुणा भाई, ये बोल रहे हैं कि वेद के अंदर अवतार का कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण और राम अवतार बन के है, ये वेद में है? भाई मैं पूरा देखो, पूरा वेद तो बहुत बड़ा है, तो मैंने तो अभी तक मतलब आई थिंक मैं नहीं पहुंचा हूं, तो मेरा कह पाना मुश्किल है या नहीं, दोनों ही नहीं कह सकता मैं अभी तक, क्योंकि वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सीधा जवाब दिया प्यारे भाई ने। आर्य समाजी भाई, मैं आपसे पूछ रहा था, वापस आ जाता हूं सवाल की तरफ, मेरा पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सवाल है, वेद सॉरी मूर्ति पूजा धार्मिक कार्य है या सामाजिक कार्य है? भाई मैं मूर्ति पूजा के बारे में कैसे बोलूं, अब मेरे को, अब तो मैं आर्य समाजी हूं, मैं पढ़ा दूं, मैं तो आप आर्य समाज से हैं तो मैं पढ़ा देता हूं, मूर्ति पूजा मेरे को पाखंड लगता है, सही बताऊं? करुणा भाई उसको बोलने दे, बीच में नहीं टोकना, ऐसे ज्यादती है जी। आर्य समाजी भाई, मूर्ति पूजा आपको क्या लगता है? मैं तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हूं, मैं सीधा बोलता हूं, ठीक है, पाखंड लगता है आपको, ठीक है, पाखंड क्यों लगता है आपको? ये मतलब इनके मतलब पुराणों से, पुराणों को देखकर ही पाखंड मतलब लगता है, मतलब घरेलू पुराण इनके। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा पाखंड है तो जारी बात है वेद से विरुद्ध है, ठीक है ना? रेफरेंस तो दे दो फिर, ऐसे बोलूंगी। ये देखो मैं बता देता हूँ, ये देखें आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती,
रुके, आपने बीच में नहीं बोलना, आपसे और बात होगी। ये आर्य समाजी है ना करुणा भाई, आप और समाज से मत से ताल्लुक रखते हैं, ये आर्य समाजी है, आर्य समाज के महर्षि हैं स्वामी ज्ञान सरस्वती भाई। वेद जी जी सुन लेना, सुन ले, वेद से देने लगा, आगे वेद से आएगा, आगे वेद से आएगा। एक मिनट चले ठीक है, इस पे जिद कर रहे हैं। नंबर वन, वेद से दे दूं? वेद से खोल दूं? अच्छा एकदम, एक मिनट हाँ ठीक है, आप चुप रहे करुणा भाई, आप चुप रहिएगा, उनके साथ अभी डील हो रहा है क्योंकि मैंने उनको भी टैकल करना है। वेद से दूं? बात करेंगे ठीक है, डायरेक्ट हदीस पे कूदेंगे इसके बाद। आए 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 आर्य चमाजी, मेरा प्यारा चमाजी भाई, क्यों तू कू? अच्छा सुने आर्य समाजी भाई मेरी बात, हाँ करते हैं 312, 13, 14 जितनी आप कहोगे सब पे करेंगे। एक मिनट रुको सही, मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चले दो, सब पे करेंगे, सब पे टेंशन लेनी। अच्छा मुझे ये बताओ, वेद से दिखा दूं? अरे दिखा दो ना यार, क्या तुम ठीक है, मगर स्टेप वन, हाँ ठीक है दिखाने लगा हूं। स्टेप वन, आप बोलो कि आप स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानते। कौन? आप? मानता हूँ भाई, किसने बोला, मैं तो मानता हूँ। मानते हो स्वामी दयानंद ने जो करुणा, आप खामोश रहेंगे, मुझे पता है आप उत्सुक हो रहे हैं और मुझे पता है आपको समझ आ गई है गेम क्या हो रही है, आप रुक जाएं जरा, पब्लिक को जरा देखने दें। आपने कहा आप स्वामी दयानंद को मानते हो, स्वामी दयानंद ने जो चर्चा, जो व्याख्या की है वेद के मंत्रों की, आप उनको मानते हैं? अरे भाई तू रेफरेंस तो दे दे यार, कि क्या मतलब नाटक। आप स्वामी देखे, स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? जबरदस्त, तो फिर जब तक आप स्वामी ध्यान, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे मैं वेद का प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, जिस क्षण आप बोलेंगे कि मैं स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद गलत है, मैं स्वामी दयानंद को नहीं मानता, तब तक मैं दिखाता रहूंगा स्वामी दयानंद गलत है, स्वामी दयानंद गलत है, वेदों पे आ जा, स्वामी दयानंद गलत है, सत्यार्थ प्रकाश कहीं, स्वामी दयानंद का ही दिखाऊंगा, स्वामी दयानंद का ही दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, मगर पहले ये बोलो स्वामी दयानंद का दिखाऊंगा, नहीं पहले बोलो, पहले बोलो कि स्वामी दयानंद ने, करुणा करुणा आप एक मिनट रुकिएगा, आप पहले क्या हुआ, क्या है दोबारा बोले? मूर्ति पूजा पाखंड है, मैं खुद बोल रहा हूँ, तू मुझे वेदों से दिखा दे मतलब इसका खंडन हुआ। एक मिनट चलें, इस आपकी बात से सिद्ध करने लगा हूं। लो जी, हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाकदामा माहे कना को, मूर्ति पूजा को आपने पाखंड बोला ना, वेदों से दिखा भाई। एक मिनट सुने, सुने जरा सुने, नहीं सुने जरा सुने, मूर्ति पूजा पाखंड है ना आपने बोला? हाँ पाखंड है, मैं मानता हूँ। पाखंड वेद से विरुद्ध होता है या वेद से अविरुद्ध होता है पाखंडी? अबे ये क्या है मतलब, बंदे ही कतई लोग मतलब साथ भी हो सकता है, आए 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 भी हो सकता है, रावण जो था वो वेद एक बार आ करूं ना भाई, आप एक मिनट चुप रखें, आपकी तरफ जब आऊंगा फिर आपसे बात नहीं बनेगी, अभी रुक जाएं, फिर आपका आपका पर रेफरेंस नहीं, फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। करुणा भाई एक मिनट मुझे एक एक करके, आर्य समाजी मेरे फेवरेट भाई हैं, उनको पहले डील करने दें। आपने बोला मूर्ति पूजा पाखंड है, या तो आप दो चीजों में से एक चीज होगी, या आप मानते हैं कि वेद में भी पाखंड है, या आप मानते हैं वेद पाखंड के विरुद्ध है। अगर वेद पाखंड के विरुद्ध है तो वेद इज नॉट इक्वल टू पाखंड, पाखंड इज इक्वल टू मूर्ति पूजा, दैट्स व्हाई वेद इज नॉट इक्वल टू मूर्ति पूजा, फॉर्मूला सेट हो गया, आपने खुद मान लिया, आपने खुद मान लिया है। या तो मुझे कह दें कि वेद के अंदर पाखंड भी है, नहीं है, आपने खुद माना है। तू रेफरेंस देना, रेफरेंस तो मेंशन कर, ऐसे तू कैसे? रेफरेंस मेरे पास इस वक्त तैयार मौजूद है, रेफरेंसेस एक नहीं है, चार रेफरेंसेस हैं, ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनका आप नकार नहीं सकेंगे। सिर्फ आर्य समाजी हो और वो ये बोले कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानता, क्योंकि जिस क्षण वो ये कहेगा मैं स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानता, वेद भाष्यकार गायब हो जाएंगे। अरे दिखा दे भाई, चल दिखा दे, क्योंकि क्योंकि आर्य समाजियों को वेदांग पढ़ाने वाला, बेसिकली दोबारा जागृति करने वाला, वेद की संस्कृति की, वेद की संस्कृत की, वेद के रीत रिवाज की, वेद की परंपरा की, वो रखने वाला आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती था। वो निघंटू हो, निरुक्त हो, व्याकरण हो, छंद हो,
ज्योतिष हो, शिक्षा हो, कल्प हो, ये पढ़ाने वाला वो बंदा था, भाष्य लिखने वाला वो बंदा था। उससे पहले तो मैक्स म्यूलर ने उसको रिवाइव किया है सयाना ऋषि की। तो जनरली हिंदी भाषा के अंदर भाष्य करना, बल्कि